अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे घर मेहमान आए थे। मेरी जो बड़ी नंद है उनकी जेठानी आई हुई थी सऊदीया से, तो वो अपने भाई के घर में गए हुए थे और आते हुए हमारे घर में भी होके गए। भी उन्होंने नाश्ता वगैरह अपने भाई के घर किया था मेरे ख्याल से, और खाना भी उधर से खा के आए। हम कहते रहे लेकिन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कह रहे थे आए तो हम आपके घर में खाना ज़रूर खाएंगे। और आप उनके लिए चाय का इंतजाम किया, केक वगैरह लाए, आलू के पकौड़े थे और साथ में कहते हैं उसको चीज़ें मेरा इब्तदाए रब्बे जलील के बाबरकत नाम से दिलों के बेत खूब जानता है, देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से बेतहाशा दुआ उसलाम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और पुरसकून ज़िंदगी बसर करें। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे आपको मेरे ब्लॉग के शुरू में स्टार्ट में पता चल गया होगा कि आज हमारे घर में कौन आया था और क्या क्या हमने इंतज़ाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कचौरियाँ भी लाई थी, केक वगैरह थे, बिस्किट वगैरह थे अच्छे वाले, और हाथ ने अच्छी चाय बनाई। उम्मीद करते हैं कि हमारे मेहमानों को अच्छा लगा हुआ होगा, आकर बहुत खुश हुए और जाते भी मेरे बच्चों को पैसे दे के गए और दे के बहुत खुश हुई। कहते हैं मैं अपने बचपन याद आ गया, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहती हैं कि यही हाल है कि हम लोग छोटे हुआ करते थे तो अपना अगर कोई आए तो दे तो हमें बड़ी खुशी हुआ करती महसूस हुआ करती थी। खुद ही हंसने शुरू हो गई। उन्होंने कहती हैं बच्चे तो मासूम होते हैं, हकीकतन बच्चे मासूम ही होते हैं और वो जो कहते हैं सच ही बात कहते हैं। और शोर बेताशा अन्ना धुंद किस्म का छाया हुआ है और बर्तन ये मेरे बस चाय वाले हैं वो गए हैं, तो बस ये थे, बाकी मैंने सब किया हुआ है, क्लियर कर दिया है जी। कोई अमल है दुनिया च नहीं, कर लो आराम से बैठो यार। ये बात सुने, ये ले जाना केक खाना है जी, एक मिनट अपनी पंडोरी में से केक निकाल के दे देते हैं, ये ले हैप्पी। बच्चे ही खाते हैं केक, बड़े भी खाने, ये ले ये है ये ऐसे बेटा, आप मेरी हेल्प भी कर दें आप, ये जाएं ये ग्रीन चटनी बनी हुई है ये अच्छी है, ख़राब हो जाएगी, आराम से इसको उठा के लेके जाएं ज़रा जी। ओके थैंक यू। ये सवैयाँ थी मज़े की, वैसे भी और ये एक चाय का कप बच गया, ठीक है वो क्यों बचा, क्यों उनकी बच्ची पीती नहीं थी। और ये बहुत अच्छा बना हुआ है, दूध पत्ती वैसे मैंने बनाई थी, इसमें पानी नहीं डाला था चाय में, और अब मैं सोच रही हूँ कि ये बर्तन धोने के बाद मैं इसको गर्म करके पी लूँगी। और यकीन करें वाकई मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, इतनी खुशी महसूस हुई कि अल्लाह पाक उनको जो है ना बखैर वफियत जो है ना घर में पहुंचा दे, पहुंच जाए वो, तो वाकई खाली घर ही होता है अगर मेहमान आ जाए तो उनको दिल से वेलकम बोला करें कि खुश हूँ, क्योंकि अगर आप दिल से कहेंगे तो वो भी खुश होंगे, बुलाएंगे आपस में एक दूसरे से बात करेंगे तो प्यार मोहब्बत बढ़ता है आपस में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मियाँ को भी अल्लाह पाक बहुत दे, वो भी उनका भी हाथ ऐसे कंजूसों वाला नहीं है जिसको कहते हैं कंजूस इंसान, वो नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ऐसी नहीं हूँ, मैं खुद ही अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, ये लोग
कहते हैं मुझे। और बर्तन मैंने थोड़े से धोए हैं, मुझे बर्तन धोते धोते याद आ गई एक बात, याद आ गई पैसों की, जो देखी गई है मेरे बच्चों को ना, तो हमें अपनी याद आ गई ना। अब मैं धोते धोते मैंने कहा मुझे भूल ना जाए, वाकई मैं सुनाती हूँ। मेरे दूसरे नंबर वाले मामू हैं तो वो आए हमारे घर में ना, हम छोटे छोटे हुआ करते थे, तो जाते हुए ना सारों को 100-100 का नोट निकाल के दिया ना, तो जब मेरी छोटी सिस्टर की बारी आई पैसे लेने की ना, तो उस टाइम लाइट चली गई, तो वो उन्हें लाइट तो लगाई मोबाइल की ना अपनी तरफ से, लेकिन वो 20 का नोट ही ऐसा था कि वो 100 का लगता था, तो उन्होंने निकाला और उसको दिया। दे के बस तकरीबन वो निकले ही थे, गाड़ी में बैठ के गए हैं, तो पीछे से लाइट आ गई 10 मिनट के बाद, तो उसने देखा तो कहती है यार ये तुम लोगों को कितने कितने मामू पैसे दे के गए। हमने कहा कि हमें तो 100-100 मिले। कहते हैं माए मेरे साथ तो धोखा, इस लाइट ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया, तुम लोगों को तो 100-100 मिल गए लेकिन मुझे तो 20 रुपये मिले। और हम जो लमलेट हो गए, सारे हंस हंस के लमलेट हो गए। मैं कहते हैं सारा इस बिजली का कमाल है, सारों को 100-100 मिले और हमें 20 रुपये मिले। और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मैं वो बारिश भी दिखाती हूँ आपको। भाई इस कदम अन्य किस्म की बरकत है ना बर्तनों में, कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये देखें ठहरे जरा, यू करा देते, नज़र आई होगी, नज़र कैसे आई, ये ले मेरे कैमरे पे पड़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपको पसंद नहीं आ रही है, अगर कोई मसला है या आप इसमें कोई चेंज चाहते हैं, कोई मुझे मशवरा देने चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। रेड बटन का निशान है, राइट तरफ है, लेफ्ट तरफ है, जिस तरफ भी है उसको क्लिक करें, तो बेल का आइकन का निशान आएगा, बेल आइकन का निशान आएगा ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला, उसको प्रेस करें तो मेरी हर वीडियो आप तक पहले पहुंचेगी। और आज मेरी नंद कह रही थी मैं और मेरे हस्बैंड भी तुम्हारा व्लॉग देखते हैं। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा सब्सक्राइब भी कर देते, कहते हैं कर दिया। चले छोटी छोटी खुशियाँ आती हैं वाकई, अपने जब इकट्ठे होते हैं तो प्यार मोहब्बत बढ़ता है, खुलूस होता है इंसान का, लगता है एक नया दिन गुजरा है, बहुत अच्छा दिन गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ इजाज़त आती हूँ और मैं अपनी ये बर्तनों का ज़रा सफाया कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।